की जो पॉलिटिक्स है वो खाने वाले भी है, रोने वाले भी है। और वो पंजाबी में कहते हैं उतरे उतरे खाए जा विचू रोला पाए जा। तो ये उनकी सियासत पर एमक्यूएम वाली भी मैं बात नहीं करता, मगर हमारे हवाले से जितना भी सिंध गवर्नमेंट के हमारे महदूद मसाइल हैं, सिंध गवर्नमेंट इस वक्त भी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही है। फेडरल ट्रांसफर से हमें पैसे नहीं मिलते, 3 महीने गुजर चुके हैं, 80 बिलियन का डेफिसिट है इस वक्त भी। एनएफसी के तहत जो पैसे देने हैं सिंध गवर्नमेंट को वो पूरे नहीं मिल रहे। इस हवाले से जितने दूसरे मौक में मुतासर हुए हैं टूरिज़म के हवाले से, मैं समझता हूँ कि सिंध जो है हमारा वो एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना हमारी एक तहजीब है, उसका पस मंज़र है, तारीखी तहजीबी तशखस है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो हमारी मैरीन टूरिज़म है, इको टूरिज़म है, हमारे पास जो है वो रेगिस्तान है, खूबसूरत माउंटेंस हैं, कि सिंध के पास बहुत कुछ है दुनिया को दिखाने के लिए। बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ दहाइयों से लाइन ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने की वजह से, और इवन गवर्नमेंट के पास तरजीहात में भी शामिल नहीं था टूरिज़्म। ये जो पीटीएम का तीसरा साल जा रहा है, इसी तरीके से अगर प्रोग्राम्स हो जाए यहाँ पीटीएम जो ना साल हर साल होता रहे, तो जिस तरह शुरू साल 2017 में हमने पीटीएम यहाँ पे करवाया था अली हमदानी साहब के साथ मिलके, अच्छा उसमें 144 एग्जीबिटर्स आए थे। नेक्स्ट ईयर जब हमने करवाया तो 300 एग्जीबिटर्स आ गए। इस साल 2019 में हम पीटीएम करवा रहे हैं तो इसमें 50-100 प्लस एग्जीबिटर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर जो ना एग्जीबिशन हो जाए और जो ना पीटीएम हो जाए तो हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म है। बदकिस्मती से हम तो बाहर की दुनिया की बड़ी तारीफ़ करते हैं लेकिन अपने पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म की बात नहीं करते हैं। जितना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है इतना बाहर का मुल्क इतना नहीं है।